वेकम स्टूडेंट्स हव आर यू ऑल स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम नंबर थ्री एंड फोर स्टार्ट ओपन पेटीज क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इज सार्पेंड वन बाई फोर आफ हर पॉकेट मनी ऑन बाइंग हर फेवरेट बुक्स तो सारा ने अपनी जो पॉकेट मनी है वो अपनी फेवरेट बुक्स खरीदने के लिए जो है की है उसका वो है वन बाई फोर एंड टू पेयर्स ऑफ शूज ईच दो जो पेयर्स लिए हैं उसने शूज़ के और ईच कॉस्ट वन बाई एट आफ आर पॉकेट मनी कहते उसकी पॉकेट मनी का वन बाई एट जो है वो कॉस्ट है हर जो पेयर है उसकी ये एक पेयर है तो टू पेयर्स की कितनी होगी तो उसको टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है वर्ड फ्रैक्शन ऑफ हर पॉकेट मनी डिड शी स्पेंड ऑल टूगेदर कहते हैं उसने बताओ वो कितनी जो है अपनी पॉकेट मनी इकट्ठे जो खर्च की है तो वन बाई फोर है ये टू पेयर्स का मालूम करके फिर इन दोनों को क्या कर देना है प्लस करते ना ठीक है तो करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर है थ्री इसका क्या मालूम करें हम लोग सोलूशन मालूम कर रहे हैं ठीक है तो सना स्पेंट ऑन बाइंग बुक्स यहां पर पहले जो स्टेटमेंट होगी सना स्पेंट ऑन बाइंग बुक्स वन बाय फोर ऑफ हर पॉकेट मनी इतनी उसने खर्च किया ना अब कॉस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ शू कॉस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ शू तो उसकी कॉस्ट कितनी थी वन बाय एट ऑफ हर पॉकेट मनी अब कॉस्ट ऑफ टू पेयर्स ऑफ शू वो कितनी है ये टू मल्टीप्लाई कर, क्या कर देंगे हम लोग टू मल्टीप्लाई वन बाई एट जो ए की कॉस्ट है ठीक है तो इसकी कटिंग होगी टू वन जा टू टू फोर जा एट मतलब उसके बाद क्या वन वन जा वन वन बाई फोर वन बाई फोर आई है कॉस्ट उसके पास ठीक है अब शी स्पेंड ऑल टूगेदर हम लोगों ने बताना है शी स्पेंड ऑल टू मतलब जो उसने इकट्ठे जो हर्च किया वो ये वन बाई फोर जो उसने बुक्स पे हर, जो है हर्च किया वो प्लस वन बाई फोर जो उसने शू पे खर्च किया दोनों का क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है आईसीम फोर आएगा फोर को फोर पे डिवाइड किया वन और वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन आ जाएगा और ये भी यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास क्या आ गया टू बाई फोर वन और वन टू टू वन जो टू 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 जो फोर दोबारा कटिंग हो गया वन बाय टू वन बाय टू ऑफ हर पॉकेट मनी आया है हमारे पास आंसर क्या आया वन बाय टू ऑफ हर पॉकेट मनी मतलब उसकी पॉकेट मनी का जो उसने टोटल यूज़ किया है वो वन बाय टू है हाफ उसने यूज़ किया है पॉकेट मनी ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर है फ़ायज़ा हैड वन होल वन बाई टू लीटर्स ऑफ जूस इन न जग कहता है फ़ायज़ा के पास जग में इतना जूस है वन होल वन बाई टू लीटर शी ड्रिंक वन बाई फोर आफ इट कहते हैं उसने इसका वन बाई फोर जो है वो पी लिया है मतलब हम लोगों को वन बाई फोर जो इसका लेंगे मल्टीप्लाई करके ठीक है वो मालूम करेंगे वो कितना उसने पी है उसके बाद इन द मॉर्निंग में पी ए, है हर सिस्टर एडेड थ्री बाई एट लीटर्स मोर इन द जग है तो उसकी सिस्टर ने थ्री बाई एट जग में ज़्यादा ऐड कर दिया दोबारा और और ऐड किया अब मेरी बात सुनो इतना तो उसने पिया पी है पीने के बाद कुछ बचा भी होगा हम लोगों ने रिमेनिंग पहले मालूम करना है ठीक है रिमेनिंग मालूम करने के बाद ये जो उसकी सिस्टर ने ऐड किया है वो रिमेनिंग में ऐड कर देना है ठीक है हाउ मच जूस इज़ इन द जग नाउ तो जग में कहता जूस अब कितना है तो जो रिमेनिंग आया वो और जो उसने ऐड किया वो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो जग में अभी जूस मौजूद है वो आ जाएगा ठीक है तो करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इसका क्या मालूम करें हम लोग सोल्यूशन मालूम करें अब फाइजा हैड जूस इन अ जग या लिखना जूस इन ये लिख लें इजी है फाइजा हैड जूस इन अ जग जग में कितना जूस है इसका वन होल वन बाई टू लीटर इसको कन्वर्ट करें ज़रा टू वन जो टू टू में वन प्लस क्या थ्री थ्री बाई टू लीटर जू, जूस मौजूद है जग में ठीक है उसके बाद शी ड्रिंक शी ड्रिंक जो उसने पिया है इन द मॉर्निंग लिखना है लिखना नहीं लिखना तो रहने दें शी ड्रिंक जो उसने पिया है वो कितना है वन बाई फोर ऑफ़ वन बाई फोर ऑफ़ इसका थ्री बाई टू ठीक है तो क्या करेंगे हम लोग इसका वन बाय फोर मल्टीप्लाई थ्री बाय टू कर देंगे ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री थ्री वन जा थ्री और फोर टू जॉ एट मतलब इतना लीटर जो है जूस ने पी दी है ठीक है उसके बाद है रिमेनिंग जूस रिमेनिंग जूस रिमेनिंग जूस कितना रह जाएगा हमारे पास हम लोग क्या करेंगे ये जो टोटल था थ्री बाय टू इसमें से ये जो उसने पी दिया थ्री बाई एट वो माइनस कर देंगे हमारे पास आ जाएगा ठीक है थ्री बाई टू टू का एट बनाएंगे हम लोग फोर से मल्टीप्लाई करके ठीक है माइनस थ्री बाई एट फोर टू फोर थ्री जो ट्वेल्व ओ फोर टू जो एट माइनस थ्री बाई एट अब एल्सीम uh, एट आ जाएगा ऊपर ट्वेल्व माइनस थ्री ही आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज आप वही वाली लिख सकते हो कैसे लिख सकते हो ये मैंने आपको समझाया है ठीक है ट्वेल्व में से थ्री माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा नाइन नाइन बाई एट लीटर जो है जूस जग में रह गया अब उसकी सिस्टर ने जो ऐड किया वो इसमें ऐड करना ठीक है हर सिस्टर एडिड मोर जूस हर सिस्टर एडिड मोर जूस किस में इन द जग इन जग वो कितने लीटर था थ्री बाई एट लीटर है वो ठीक है थ्री बाई एट लीटर अब जूस इन अ जग नाओ क्या मालूम करना है जूस इन अग नाओ ये मालूम करना ठीक है थीके? उसमें ये जो रह गया रिमेनिंग नाइन बाई एट लीटर प्लस थ्री बाई एट लीटर इनको प्लस कर देना है डिनोमिनेटर सेम है क्या आ जाएगा नीचे एट ही आ जाएगा ऊपर नाइन प्लस थ्री इधर लीटर लिखना ही अगर लिखना है तो नहीं लिखना तो एंड पे जाके आप लोग लिख सकते हो ठीक है थीके? अब नाइन में थ्री प्लस किया ट्व ट्वेल्व बाई एट लीटर आ गया ठीक है आप कटिंग करें रहे टू के टेबल से टू फोर ज़ा एट टू टू सिक्स जै ट्व और मजीद इसकी कटिंग हो रही है इसकी या आप इन डाले कि फोर के टेबल से भी कटिंग कर सकते हो अगर आपने टू के टेबल से नहीं करनी तो डायरेक्ट आप फोर के टेबल से भी कट कर सकते हो ठीक है अब टू टू ज़ा फोर टू थ्री जा सिक्स मतलब टू के टेबल से मैंने दो बार इसकी कटिंग की है हमारे पास क्या है थ्री बाय टू लीटर जो है जू, जूस मतलब आया अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग मिक्स नंबर में थ्री को टू पे डिवाइड करें टू वन ज टू वन वन रिमाइंडर आया वन कोफिशेंट आया वन होल वन बाई टू लीटर जो जूस है वो जग में मौजूद है अच्छे से हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़